हेलो एवरीबॉडी। जैसे कि हम लास्ट वीडियो के अंदर डीएनएस का पार्ट कवर कर रहे थे, तो इस वीडियो के अंदर हम डीएनएस के पार्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डीएनएस का वर्किंग प्रोसेस, के डीएनएस किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लेना, तभी आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो अब मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ आप लोगों को कि डीएनएस किस तरीके से वर्क करता है, एज इंटरनली प्रोसेस उसका क्या है। ओके, जैसे मान लो आप गूगल के ऊपर लिखते हो व्हाट इज नेटवर्किंग, या मान लो जो भी एक्स वाई जेड चीज आपने सर्च किया है, तो आपके सामने जो पेज ओपन हुआ है तो उसके पीछे डीएनएस किस तरीके से वर्क करता है, तो डीएनएस के एल्गोरिथम्स क्या है, क्या क्या प्रोसेस वहां पे होता है, तो वो चीज एग्जैक्ट प्रोसेस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ओनली फॉर डीएनएस के बारे में, तो वही चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो मान लो मेरे पास एक सिस्टम है और समझाने के पर्पज से मैं आप लोगों को एक कहानी सी बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोगों ने रिलेट करना है इसे टेक्निकली। ओके, तो मान लो मेरे पास एक सिस्टम है पीसी, एक पीसी मैंने ले रखा है और इस पीसी के ऊपर मैं सर्च करता हूँ मान लो www.cro.in, तो cro.in मैंने सर्च किया। ओके, मैंने सर्च किया www.cro.in, तो अब मेरे सिस्टम के ऊपर मैंने यहाँ पे नाम सर्च किया www.cro.in, तो यहाँ पे डीएनएस किस तरीके से वर्क करेगा, तो मेरे सिस्टम के ऊपर इस वेबसाइट का पेज किस तरीके से ओपन होगा हमें पता नहीं लग पाता है। हालांकि मान लो जो भी चीज मैं सर्च करने जाता हूँ तो मेरे सामने बहुत माइक्रो सेकंड के अंदर वो पेज ओपन हो जाता है, हमें नहीं पता लगता। भाई एक नॉर्मल पर्सन जो विजिट कर रहा है, कोई वेबसाइट सर्च कर रहा है, तो उसे क्या लेना था कि भाई इंटरनली क्या प्रोसेस कर रहा है। लेकिन एज ए टेक्निकल हम जो नेटवर्किंग पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर हम पता होना चाहिए भाई हमने जो सर्च किया उसके पीछे डीएनएस किस तरीके से वहां पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया www.cro.in, तो मेरे सिस्टम की ओर से एक्टिविटी यहाँ पे क्या होगी, तो सिस्टम से एक मैसेज फॉरवर्ड होगा, या मान लो एक पैकेट यहाँ पे फॉरवर्ड हो रहा है। सबसे पहले एंट्री कहाँ पे जाएगी, जो डीएनएस रिजॉल्वर होंगे, है ना, जो डीएनएस को रिजोल्व करेंगे। ओके, तो मान लो ये डीएनएस रिजॉल्वर मैंने यहाँ पे लगा रखा है, डीएनएस रिजॉल्वर। ओके, तो डीएनएस रिजॉल्वर के पास मेरी एंट्री जाती है, देन डीएनएस रिजॉल्वर इस पैकेट को कहाँ पे फॉरवर्ड करेगा। मान लो आप कह सकते हो कि एक लोकल जो आपका नेटवर्क है, मान लो आपके आईएसपी के नेटवर्क के ऊपर उसे फॉरवर्ड करता है, तो आईएसपी के नेटवर्क के थ्रू तो आप पहुंच ही रहे हो, तो लेकिन आपकी एंट्री कहाँ पे जा रही है, डीएनएस रिजॉल्वर के ऊपर, जो रिजोल्व करके देगा आपको डीएनएस की एंट्री। तो अब ये डीएनएस रिजॉल्वर खुद तो डीएनएस सर्वर है नहीं, ठीक है, अब ये कहाँ पे इस पैकेट को फॉरवर्ड करेगा, रूट सर्वर्स के पास। अब रूट सर्वर्स क्या होता है, पूरी दुनिया के अंदर 13 रूट सर्वर्स है, कितने, ऑल ओवर वर्ल्ड 13 रूट सर्वर्स है। 13 रूट, इन रूट सर्वर्स का काम क्या है कि मान लो आप किसी को मैसेज करते हो, तो आपके पैकेट को कहाँ पे जाना है तो डायरेक्शन कौन देगा। मान लो मैं किसी पर्सन को कॉल कर रहा हूँ, तो मेरे सिस्टम से जो वो कॉल लग रही है, तो एज इंटरनली वो पैकेट कहाँ पे फॉरवर्ड होगा। मान लो गूगल के ऊपर मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, तो हर एक पर्सन कुछ ना कुछ कर रहा है, तो उसको एक एग्जैक्ट डायरेक्शन इंटरनेट के ऊपर वो पैकेट कहाँ पे जाना है, जहां पे उसे जाना है उसी पैकेट को वहीं पे फॉरवर्ड करता है। तो ये काम कौन कर रहा है, रूट सर्वर्स। जैसे मान लो हमने कोई एक पर्सन रखा हुआ है जो डेस्टिनेशन बताता है भाई मुझे यहाँ पे जाना है, तो हमें गाइड करता है यहाँ पे आपको जाना है, तो ये इसका ये वे है, ठीक है। तो रूट सर्वर हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देगा कि मुझे कहाँ पे जाना है। ओके, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 13 रूट सर्वर्स हैं जो हमें रूट का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देंगे, और किस टाइप के रूट का इंस्ट्रक्शन देंगे जो आप लोगों को अभी मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लो रूट सर्वर, ये क्या है हमारा रूट सर्वर, और ये जो रूट सर्वर्स होता है जितने भी हमारे टॉप लेवल के डोमेन्स हैं, जैसे मान लो डोमेन से मतलब क्या है, .mil, .edu, .in, .com, .pk, .us, है ना, जितने भी टॉप लेवल्स के डोमेन है, .org। ओके, जैसे टॉप लेवल के जितने भी डोमेन्स हैं उन सब के साथ इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। कनेक्शन इन द सेंस कि मान लो पैकेट को कहाँ पे फॉरवर्ड करवाना है, तो ये इंस्ट्रक्शन वहां पे देंगे कि भाई पैकेट को कहाँ पे जाना है। तो सबसे पहले रूट सर्वर किस चीज के एंट्री को चेक करेगा, आप इन जो भी ये जितने भी हमारे सर्वर्स हैं, .org, .iml, .in, .com, .pk, है ना, ये हमारे जो जो टॉप लेवल के जो डोमेन नेम्स है, इनके इनको आप कह सकते हो इनके जेनरिक सर्वर्स, मान लो जो इनके सर्वर्स होंगे उनको आप जेनरिक सर्वर्स बोल सकते हो, ठीक है। तो अब ये चेक कर रहा है भाई ये पैकेट कहाँ से आ रहा है, पीसी की ओर से आ रहा है, तो पीसी की ओर से आ रहा है तो इसका एक्सटेंशन क्या है भाई, इसका जो डोमेन नेम है वो क्या है, .in। तो अब इसने चेक किया भाई इस पैकेट को कहाँ पे जाना है, .in के ऊपर जाना है। जैसे इसने .in यहाँ पे चेक किया, तो अब इसको इंस्ट्रक्शन मिल चुकी है कि भाई इस पैकेट को कहीं और पे तो फॉरवर्ड नहीं करना है, भाई .org जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है उसके लिए कोई काम का नहीं है, .mil के लिए जो होता है उसके लिए कोई काम का नहीं है, एजुकेशन के लिए जो .edu होता है उसके लिए कोई काम का नहीं है, .com के लिए कोई काम का नहीं है, .pk के लिए भी कोई काम का नहीं है, .us के लिए भी कोई काम का नहीं है। तो ये इस पैकेट को अब जाना कहाँ पे है भाई, जाना .in के ऊपर है, तो इसने चेक किया भाई .in के ऊपर, तो इस पैकेट को कहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा। तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये मान लो हमारा .in है, ठीक है, तो इस पैकेट को कहाँ पर फॉरवर्ड कर देगा, .in के ऊपर फॉरवर्ड कर देगा, जो हमारे जेनरिक सर्वर्स हैं, जो .in का जेनरिक सर्वर होगा। तो अब वहां पे इस पैकेट को यहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा, जैसे पैकेट यहाँ पे पहुंचेगा,
तो अब डोटेन कोई छोटा तो है नहीं भाई, कि गांव के अंदर तो नहीं चल रहा, तो इसके भी बहुत सारे सब डोमेन्स होंगे, राइट। सब डोमेन से मतलब क्या कि भाई दिल्ली के नेटवर्क के लिए अलग एक सर्वर काम कर रहा होगा, राजस्थान के लिए नेटवर्क के लिए अलग से कोई सर्वर काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इसे मिली हुई है कि अब यहाँ पे जैसे पैकेट पहुंचता है जेनरिक सर्वर के ऊपर, तो जेनरिक सर्वर अब इस पैकेट को कहाँ पे फॉरवर्ड करेगा, जो ऑथोरिटी सर्वर्स होते हैं जिनको मतलब अथॉरिटी है इसके डेटा को मेंटेन रखने के लिए, है ना। तो मान लो जिनसे हम, मान लो आपको एक सिम कार्ड खरीदते हो, तो जैसा आईएसपी के पास पूरा रिकॉर्ड होता है ना कि भाई किसके नाम पे सिम है, किसके द्वारा ली गई है, तो ऐसे ही मान लो आपने जब इस वेबसाइट को आपने लिस्ट करवाया, जो भी वेबसाइट यहाँ पे लिस्ट हुई है डॉटइन के ऊपर, तो वो अथॉरिटी किसे मिल चुकी है, डॉटइन का आपने डोमेन नेम खरीदा, ठीक है। तो अब वो इंस्ट्रक्शन किसके पास है, इसके अथॉरिटिव सर्वर के पास, तो इस पैकेट को ये कहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा, डॉट इन के अथॉरिटिव सर्वर्स के पास। जैसे डॉट इन के अथॉरिटिव सर्वर्स के पास पहुंचता है, जो यहाँ पे डीएनएस के अथॉरिटिव सर्वर्स होंगे, ठीक है। ओके, तो जैसे यहाँ पे अथॉरिटिव सर्वर्स के पास ये पैकेट पहुंचा, तो अब मान लो मैं कोई भी चीज सर्च करने जाता हूँ, तो मैं नाम से सर्च करता हूँ, लेकिन इंटरनली प्रोसेस किसके ऊपर काम करता है, आईपी के बिहार पे काम करता है। मान लो इस वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस था वो था 193.16.0.9, लेकिन हमें हर हर किसी पर्सन को तो पता नहीं होगा ना भाई, एवरी ईच पर्सन कोई भी मान लो कोई सर्च करना चाहता है, या मान लो कोई भी वेबसाइट पर सर्च करना चाहता है, जरूरी थोड़ा ना उसको उसका आईपी एड्रेस पता हो, किसी को नहीं पता होता, राइट। मान लो अब मुझे कुछ सर्च करना है, मान लो मैं सर्च करना चाहता हूँ एज ए कोई स्कूल के बारे में सर्च करना चाहता हूँ, कोई कॉलेज के बारे में सर्च करना चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि उस वेबसाइट का मैं सर्च करने जा रहा हूँ तो उसका क्या आईपी एड्रेस, देन मैं उसे सर्च करूंगा, मेरे सामने पेज ओपन हो जाएगा, मुझे तो सिर्फ नाम याद है उसका, तो मैं नाम यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, देन नाम के बिहाफ पे अब मेरे सामने वो नाम ओपन हो रहा है, ठीक है। और मैं जानता किस नाम से हूँ, मान लो कोई कॉलेज है, ठीक है, तो वो कॉलेज चाहता है कि लोग मेरे को नाम से याद रखें, अभी मान लो उसने अपना एड्रेस चेंज कर लिया, लेकिन उसने अपना नाम एक फिक्स रखा हुआ है, ठीक है, तो एड्रेस चेंज होता रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम उसका फिक्स है, तो लोग वहां पे पहुंच जाएंगे, तो अब वहां पे इंटरनली प्रोसेस, तो वो चाहता है कि नाम सेम रहे, आईपी एड्रेस चेंज होता रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सर्च करने जाए तो नाम सेम रहना चाहिए, नॉर्मल पर्सन आएगा नाम से सर्च कराए, भाई हमारा जो माइंड सेट है वो क्या है, नंबर को याद रखना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन नाम को याद रखना हमारे लिए बड़ा आसान है, तो मैं कहीं पे भी जाता हूँ कुछ भी सर्च कर, मतलब नाम सर्च करूंगा तो मेरे सामने वो पेज ओपन हो जाना चाहिए, चाहे मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, ओके, मैं नाम से सर्च करना चाहता हूँ और मेरे सामने वो पेज ओपन होना चाहिए, डजेंट मैटर कि वो कौन सा आईपी के ऊपर काम कर रहा है, किसके ऊपर काम कर रहा है, ओके। इस तरीके से वर्किंग प्रोसेस जो डीएनएस का चला हुआ है, तो जैसे डीएनएस अथॉरिटी सर्वर के पास जाता है, भाई उनके पास परमिशन है, तो उसको आईपी एड्रेस मिल जाएगा, जैसे पैकेट को जैसे अथॉरिटी सर्वर के पास जाएगा, जैसे आईपी एड्रेस मिल जाएगा, भाई इसका आईपी एड्रेस क्या था, मान लो ये वाला आईपी एड्रेस था, तो इसको मिल गया, अब देन ये ऐसे वापस इसे इंस्ट्रक्शन दे देगा, जैसे जेनरिक सर्वर के पास आएगा, जेनरिक सर्वर से रूट सर्वर के ऊपर, रूट सर्वर से जो हमारे डीएनएस रिजॉल्वर है उनके पास पहुंचेगा, देन इस पीसी के ऊपर आ जाएगा, और इस पीसी को क्या मिल जाएगा, उसका आईपी एड्रेस, और हमारे सामने उस वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा, हमें लग रहा है भाई हमने नाम से सर्च किया, और हमने तो नाम से ही सर्च किया, लेकिन इंटरनली पूरा प्रोसेस किसके ऊपर भी आप पे हुआ है, वो आईपी के भी आप पे हुआ है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी हमने पढ़ा है एज ए डीएनएस के ऊपर, तो उसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि प्रैक्टिकल के अंदर हम डीएनएस का किस तरीके से यूज करने वाले हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने वीडियोस को देखते रहना, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा तो आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। और वीडियोज आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो एक बार चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।